जी हाँ, अगर आप भी एक आंगनबाड़ी सेविका है तो ये वीडियो आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट और यूजफुल होने वाली है। जी हाँ, जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि राजस्थान स्टेट में जो है 3 महीने के लिए जो है पीडीएस के द्वारा चावल और गेहूं का आवंटन कर दिया गया है। जी हाँ, उसी प्रकार बिहार में भी सेविकाओं के लिए जो है FCI से जो है चावल का आवंटन कर दिया गया है। इसका ऑफिशियल लेटर भी जारी हो चुका है, साथ ही सभी जिलों का आवंटन का लिस्ट भी जारी हो चुका है, जिसकी जानकारी आपको वीडियो में देखने को मिलेगी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अतुल, आप देख रहे हो दोस्तों और यूट्यूब चैनल। आंगनबाड़ी से रिलेटेड ऐसी यूजफुल और सच्ची खबरें टाइम पर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही वीडियो को एक लाइक करते हैं, आप लाइक करते हैं, मैं अच्छा लगता है, मैं आपके लिए ऐसी यूजफुल वीडियो लेकर के आते हैं। चलिए सीधे चलते हैं उस ऑफिशियल लेटर की ओर। तो अभी जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये ऑफिशियल लेटर बिहार सरकार ICDS निदेशालय की ओर से जारी किया गया है। पत्र की संचिका संख्या 2865, 9 जून 2021 को पत्र जारी किया गया है। बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज है। जारी करने वाले ICDS के डायरेक्टर और किसके लिए जारी किया गया, यहाँ पर थोड़ा सा अलग आपको देखने को मिलेगा। क्षेत्रीय प्रबंधक भारतीय खाद्य निगम यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, अरुणाचल भवन, एग्जीबिशन रोड, पटना को यह पत्र जारी किया गया है। देखिए पत्र का जो विषय है वो क्या है, थोड़ा सा अलग आपको देखने को मिलेगा। विषय में लिखा गया है वर्ष 2021-22 की प्रथम तिमाही के लिए WBNP के अंतर्गत चावल आवंटित करने के संबंध में। अब देखिए प्रथम तिमाही क्या है, वित्त वर्ष अभी जो चल रहा है वो यही है 2021-22, और WBNP क्या है इसके बारे में सारी जानकारी आपको वीडियो में देखने को मिलेगी। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, जो हमेशा रहती है कि वीडियो को आपने एक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। नीचे आने पर देखिए संदर्भ में क्या लिखा गया है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के पत्रांक इतना दिनांक 6 मई 2021 को इसके संबंध में भारत सरकार की ओर से भी पत्र जारी किया गया था। पूरा पत्र मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, साथ ही अलॉटमेंट में दिखाऊंगा कि एक एक जिले के लिए कितना कितना चावल का अलॉटमेंट आया हुआ है। पत्र में लिखा गया है महाशय उपयुक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के संदर्भी पत्र द्वारा बिहार राज्य को ICDS की परियोजनाओं में उपयोग हेतु, देखिए साफ साफ लिख दिया गया है, ICDS की परियोजनाओं में उपयोग हेतु वर्ष 2021-22 की प्रथम तिमाही। ध्यान दीजिएगा वर्ष तो यही है, 21-22 सेशन यही है। प्रथम तिमाही का मतलब कि हो गया आपको अप्रैल, मई और जून, यानी ये 3 महीनों के लिए जो चावल का अलॉटमेंट जो है परियोजनाओं के लिए आया हुआ है। कुल 5040 मीट्रिक टन चावल का आवंटन किया गया है पूरे बिहार के लिए। बिहार राज्य के 38 जिलों के परियोजनाओं में उपयोग हेतु वर्ष 2021-22 की प्रथम तिमाही में कुल 5040 मीट्रिक टन चावल का उठाव हेतु पत्र निर्गत किया जा रहा है। देखिए चावल के अलॉटमेंट कर दिया गया और उठाव शुरू करने के लिए ये पत्र जारी किया गया है। इस चावल का उठाव बिहार राज्य खाद्य निगम द्वारा भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से किया जाएगा। भारत सरकार के पत्र के अनुसार चावल के लिए 300 रुपये मात्र प्रति क्विंटल, यानी 3 रुपये की दर से राशि भारतीय खाद्य निगम को दे होगा। अनुरोध है कि उपरोक्त आवंटित चावल इस पत्र के साथ संलग्न सूची, देखिए एक सूची भी है इसके साथ में, उसको मैं आपको दिखाऊंगा, के अनुसार संबंधित जिला के बाल विकास परियोजनाओं को उपलब्ध कराने की कृपा की जाए। देखिए पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो है WBNP क्या होता है, तो WBNP ये भारत सरकार का एक प्रोग्राम है, वीट बेस्ड न्यूट्रिशन प्रोग्राम। न्यूट्रिशन प्रोग्राम से ही आप समझ जा रहे होंगे कि ये जो है कुपोषण को दूर भगाने के लिए सरकार की एक परियोजना है, और उसके अंतर्गत जो है देखिए 2021-22 के लिए जो है प्रथम तिमाही यानी एक के बार में 3 महीने के लिए अप्रैल, मई और जून, जी हाँ 3 महीने के लिए जो है चावल का आवंटन कर दिया गया है। आगे मैं वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि एक एक जिले के लिए कितना आवंटन किया गया है और कितना कितना राशन मिल सकता है। कहने का मतलब यह है कि देखिए ये जो लेटर है, ऐसा लेटर मैंने आपको 5-6 दिन 7 दिन पहले भी बताया था राजस्थान के संबंध में, लेकिन अभी जो है बिहार के लिए भी फाइनल लेटर जारी कर दिया गया है। राजस्थान के लिए जो जारी किया गया तो उसमें चावल और गेहूं दोनों था, लेकिन इसमें केवल और केवल चावल है बिहार के लिए। साथ ही यूपी में भी ऐसा लेटर जारी किया गया कि 3 महीने का WBNP प्रोग्राम के तहत जो है आंगनबाड़ी केंद्रों पर चावल पहुँचाया जाएगा। नीचे आने पर देखिए यहाँ पर जो है आपको ICDS के डायरेक्टर का सिग्नेचर देखने को मिल जाएगा, 9 जून 2021 का डेट है। तो चलिए अब सीधे चलते हैं उस लेटर की तरफ जिसमें बताया गया कितना अलॉटमेंट जो है एक एक जिले के लिए आया हुआ है।
तो इस पार्ट में आप देख पा रहे हैं कि एक जिले के लिए कितना आवंटन किया गया है। WBNP के तहत वर्ष 2021-22 के प्रथम तिमाही में जिलावार आवंटित चावल की विवरणी भारत सरकार से प्राप्त आवंटन के आलोक में, तो आप अपना जिला देख लीजिएगा कि आपके जिले में कितना आवंटन किया गया है, जैसे यहाँ पर जिला का नाम है, और प्रथम तिमाही के लिए मात्रा कुल चावल कितना दिया गया, MT में दिया गया। MT का मतलब मीट्रिक टन, और एक MT जो है लगभग 1000 किलोग्राम के बराबर होता है। तो ये आप समझ लीजिएगा, जैसे अरेजय के लिए जो है 106 MT जो है चावल का आवंटन 3 महीने के लिए किया गया है, वैसे ही सारे जिलों का आपको लिस्ट यहाँ पर देखने को मिल जाता है। एक और बात की देखिए, बिहार में केवल चावल का ही आवंटन किया गया, जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि राजस्थान में चावल और गेहूँ दोनों का आवंटन किया गया, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और वहाँ पर हिसाब भी दिया गया था कि प्रत्येक लाभार्थी को कितना चावल या गेहूँ देना है, 1 किलो, 1.5 किलो, 1.25 किलो, जो भी हो। लेकिन वैसे बिहार के लिए अभी कोई फाइनली कितना राशन देना है वगैरह अभी नहीं किया गया है। इसके संबंध में आपको ICDS ऑफिस से निर्देश प्राप्त होगा। साथ ही कोई भी न्यूज आएगा तो आपको वीडियो मिल जाएगा। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।